कुलपति मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर जेपी सैनी जी, प्रदेश के प्रमुख सचिव प्रावधिक और व्यावसायिक शिक्षा सी एम देवराज जी, विभिन्न कंपनियों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और मेरे युवा साथियों, मुझे प्रसन्नता है कि अभी कुछ माह पूर्व हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बृहद रोजगार मेला के साथ हम लोग जुड़े थे और आज पुनः इस बृहद रोजगार मेले के साथ मुझे यहाँ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसमें लगभग 15,000 युवाओं को एक बार फिर से उनके उज्जवल भविष्य के लिए रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र उपलब्ध होंगे। जिन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है उन्हें भी, और जिन्हें प्राप्त होने वाला है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवल जो नौजवान आए हैं किन्हीं कारणों से उनको कोई प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहा है, वे तैयारी करें, उनके लिए भी उस प्रकार के रोजगार के सृजन होंगे। हर हाथ को काम, ये ही है आज उत्तर प्रदेश का एक संदेश, और उसी संदेश के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश नए भारत का ही नया उत्तर प्रदेश है। हर एक क्षेत्र में आज सफलता की नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है, नए मॉडल दिए जा रहे हैं। अभी व्यावसायिक शिक्षा मंत्री जो कह रहे थे कि टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 से अधिक आईटीआई, वर्ल्ड क्लास आईटीआई बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग न्यू कोर्सेज देंगे, जो न्यू एज कोर्सेज हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक मानक के रूप सभी शर्तों को पूरा करते हो और हमारे नौजवान को उसके अनुरूप बना सकते हो। देखिए, छोटा सा उदाहरण आपके सामने है। पिछले दिनों मुझे इस बात की जानकारी जब मिली थी कि दुनिया के अंदर बहुत सारी जगह कुशल और योग्य युवाओं की आवश्यकता है अलग अलग फील्ड में, तो मैंने तब व्यावसायिक और कौशल विकास विभाग से कहा, मैंने कहा ये काम करो कि उन सभी संबंधित एमएससी से संपर्क करो, और विभाग ने इसराइल से, रूस से, जर्मनी के साथ और अन्य देशों के साथ संवाद स्थापित किया। जब उनसे संपर्क हुआ, संवाद हुआ, यद्यपि इसराइल की टीम जब आई तो पहले, क्योंकि यूपी के अंदर तो पहली बार इस प्रकार की टीमें आ रही थी, उनका अनुभव पहले बहुत अच्छा नहीं था अन्य जगहों पर। यूपी में जब आए, यूपी के नौजवानों के पोटेंशियल को और उनकी प्रतिभा को उन्होंने देखा। आए तो थे वहां के 1200 लोगों का चयन करेंगे, 5000 से अधिक लोगों का चयन करके देखे गए। इसराइल में रहने की व्यवस्था फ्री, खाने की फ्री, और लगभग 1.5 लाख रुपए महीना उनको अतिरिक्त वे लोग देंगे। अब आप सोचिए, अगर कोई नौजवान आईटीआई करके या कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स को करके 1.5 लाख रुपए महीना बैठे बैठे कमा ले तो क्या बुरा है क्या? 50,000 रुपए चलो उसका मान ले, उसका अपना स्वयं का खर्चा, 1 लाख रुपए तब भी बचेगा ना उसके परिवार के लिए, घर में खुशहाली आएगी ना, और केवल उसके घर में नहीं खुशहाली आएगी, पूरे गांव में आएगी, पूरे प्रदेश में खुशहाली आएगी, पूरे देश में खुशहाली आएगी। अगर 1-1 लाख रुपए यह मार्केट में लगना शुरू हो जाए और अगर 1 करोड़ लोग इस प्रकार से लगा लेंगे, 1 लाख करोड़ तो यही हो गया,
कितनी बड़ी पूंजी आ जाएगी। और वह आज दुनिया की मांग है, जर्मनी मांग रहा है, अच्छे नर्सिंग के प्रोफेशनल्स मांग रहा है, अच्छे लोग चाहिए, उन्हें ट्रेंड मैन पावर चाहिए, नर्सिंग सेवा से जुड़े हुए लोग चाहिए। हमें ध्यान देना होगा, एक प्लेसमेंट सेल बना करके कैरियर काउंसलिंग की दृष्टि उनके अवेयरनेस के लिए और उनकी काउंसलिंग के लिए, छात्रों की काउंसलिंग के लिए, युवाओं की काउंसलिंग के लिए, और फिर देश और दुनिया में कहां पे रोजगार है, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम और कोर्सेज के साथ साथ अगर हम थोड़ा लैंग्वेज को भी उसके साथ जोड़ लें, जैसे जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन लैंग्वेज जानना पड़ेगा, अब किसी नए नर्सिंग प्रोफेशनल्स को हम वहां भेजें तो वह थोड़ा उसको लैंग्वेज सीखने में तीन महीने चार महीने का समय लगेगा, लेकिन अगर पाठ्यक्रम को प्रारंभ करते समय ही तय कर लेंगे कि भाई हमें 5,000 नर्सिंग के प्रशिक्षुओं को वहां भेजना है और उस समय हमने उनको जर्मन भाषा भी सिखा दी, तो एक साथ बेहतरीन पैकेज उन लोगों को वहां के लिए प्राप्त हो जाएगा और वे प्रशिक्षु वहां जाएंगे तो अपनी सेवाएं भी पहले दिन से देना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे ही मध्य पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, मध्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की स्थिति है, अन्य देशों के अंदर भी इस प्रकार की मांग है। इसराइल ने जो मांग की और अभी फिर 5,000 से अधिक युवाओं को तो लोग चयन करके लेके गए हैं, अभी फिर आ रहे हैं, कैसा हम यूपी में ही अब फोकस करेंगे क्योंकि यहां पे अच्छे युवा मिल रहे हैं, दक्ष युवा मिल रहे हैं। यानी एक प्रयास है, इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिस फील्ड में हम जा रहे हैं आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए, इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो ये ओल्ड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है, इसको आप देखिए, इसमें जाइए, इसमें स्कोप मिलेगा, तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक, दूसरा है, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, एक करोड़ दस लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आईटीआई, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन है वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र है ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें कि भाई ये देखो आपको चयन क्यों करना है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग हम फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो जो इनको आप लेकर के जाइए वहां अपने यहां जॉब कीजिए, जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा इस बात को देखें, अब तो सरकार ने उसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है, कोई कार्यक्रम करना है
उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हम युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानते वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। मेरा माँ बाप की तो एक सीमा होती है, तब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार के और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अत्युक्त कार्य करता है और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ जाता है तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी, सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। तीसरा है यूपी के अंदर जो देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना वह है एमएसएमई की, हमारे पास 96 लाख यूनिट है, यानी 96 लाख यूनिट। अगर हम सबको बोलेंगे एक एक व्यक्ति को तुम्हें नौकरी देंगे तो 96 लाख नौकरी ही मिल जाएगी, नौकरी की कमी यूपी में आज के दिन पे नहीं है। केवल इन 96 लाख यूनिट में इनको मार्केट के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और साथ साथ इन्हें एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करना, उसके लिए पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड उसके अनुरूप, डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की सप्लाई की भी व्यवस्था कर सके, यह भी कर सकेंगे, कितना बड़ा कार्य खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही और भी कार्य हो सकते हैं, जैसे यहां पर मैं देख रहा था हमारे यहां गोरखपुर के हमारे कुछ युवा मिले जिसमें उनको कारपेंटर के रूप में कुछ अच्छी कंपनियों ने हायर किया है, अच्छे पैकेज पे हायर किया है। आज उनके सर्टिफिकेट को जब हम वितरित कर रहे थे तो हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला तो चौंक रहे थे, कह रहे थे मैं फिल्मों में बेकार काम कर रहा हूं, मैं भी इनकी तरह सीखा होता तो अच्छा पैकेज मिलता। चौंक रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा पैकेज मिलता है बच्चों को, क्योंकि कह रहे थे जब मैं शुरू शुरू में फिल्मों में काम करने के लिए गया था तो किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करता था और ये नौजवान पहले चरण में ही इतना अच्छा पैकेज लेकर के आगे बढ़ गए। ये चीजें दिखती हैं कि जैसे कारपेंटर का काम है, सैलून का काम है या फिर अन्य किसी भी फील्ड में पहले से परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पेशे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं, आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में योजना को चलाती है, हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं और एक इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत शीघ्र अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए तक के पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ेंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को भी आत्मस्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके, एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको
जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा तो लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ दो चार पांच नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा भी। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के अभियान के साथ भी जुड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले पांच सात वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़ करके 56% हो गया है। यानी पहले एक रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था, आज अगर एक रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का निर्माण व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज छठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल का लक्ष्य यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका होती है और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे तब आपको किसी के पास हाथ फैलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप आज करने जा रही है और उसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। अब इसी का परिणाम है टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही है, अलग अलग फील्ड में नई चीजें हम दे सकते हैं। मांग क्या है दुनिया के अंदर, डिमांड क्या है, डिमांड के अंदर फिर सप्लाई क्या, भारतीय मार्केट की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप हम अपने आप को तैयार करें। यूपी की मार्केट की डिमांड क्या है, यूपी के लोगों की आवश्यकताएं और उनकी अपेक्षाएं क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। और यही नहीं, हम उसके अनुरूप अगर अपने आप को तैयार कर पाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट को जिसको हम 19% से अधिक था जब हम 17 में आए थे, आज मात्र 2% तक है और इसको भी और न्यूनतम स्तर तक पहुंचा करके उत्तर प्रदेश के हर युवा के हाथ को काम देने में हम सफल हो पाएंगे। इतनी बड़ी संभावना यूपी में है, एग्रीकल्चर के फील्ड में, एमएसएमई के फील्ड में, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के फील्ड में, इंडस्ट्रीज के फील्ड में और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य हैं, उन सभी को मैं यहाँ पे व्यवसायिक और कौशल विकास विभाग से इस बारे में जरूर कहूंगा कि जितने युवा आए हैं इंटर रजिस्ट्रेशन हो, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है, उस लोगों की समस्याएं जरूर होगी, जो यूपी में है उनके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन यूपी के बाहर जाने में उन कुछ नौजवानों को समस्याएं हो सकती, देखना चाहिए हो सकता है उनके लोग यूपी में जॉब उनको प्राप्त हो सके, इनकी व्यवस्था एक। दूसरा, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेशन करना कि ये जो यूथ जाएंगे जहां कार्य पे जाते हैं इनका एक
रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, उनकी संतुष्टि के लेवल को भी पूछने की आवश्यकता है। जहां काम कर रहे हैं वहां पे उनको कोई शोषण ना हो, ऐसा नहीं कि उनको किसी ने लेके गए कहा कि हम देंगे 25,000 रुपया देंगे या 30,000 रुपया देंगे या 15,000 रुपया देंगे, लेकिन बाद में फिर वहां पे उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, इसको हम जरूर ध्यान में रखेंगे। और दूसरा इस बात को देखेंगे कि उनके रहने की व्यवस्था, भारत सरकार ने भी स्कीम चलाई है, स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है कि जहां पे उद्योग है, जहां इंडस्ट्री है, जहां पे इंस्टीट्यूशन है, वहीं पर उन लोगों के रहने की व्यवस्था भी हो सकती हो, तो वहां पर हमें देना चाहिए, सुरक्षा का माहौल भी बनेगा और साथ साथ लोगों के आने जाने में कम समय खर्च होगा और वो लोग आसानी से अपने कार्य को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिल पाएगी। उसमें हॉस्टल बनाने की डॉर्मेट्री बनाया करके इस कार्यक्रम को भी लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की अपनी पॉलिसी का भी पार्ट है, सरकार इस मामले में इंसेंटिव भी उपलब्ध करा रही है। इस सभी कार्य अगर हम कर पाएंगे तो हमारे ढेर सारे युवा रोजगार के साथ जुड़ेंगे। इस गाय वाला मॉडल हम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम करें। दुनिया के तमाम देशों में मांग है, रशिया अलग मांग रहा है, जर्मनी की अंदर अलग डिमांड है, मॉरिशस भी मांग रहा है, तमाम देशों में इसकी मांग हो गई है। उन सब कार्यों के साथ हम जुड़ पाएंगे इस विश्वास के साथ, जिन युवाओं को आज यहां पर जॉब कार्ड, यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं, उन सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो लोग यहां पर आए अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उनका स्किल मैपिंग हो और स्किल मैपिंग करके उनको एनरोल करें और फिर उनको जहां कहीं उसके लायक कार्य हो वहां पर उनको कहीं ना कहीं फिट करने की आवश्यकता है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।